So hey guys, welcome back to the channel once again. In this video we will see how we can copy and move the folders around the another holders basically. ठीक है, तो कॉपी एंड पेस्ट कैसे करना है ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मैं ग्राफिकल वे ऑफ हाउ वी कैन कॉपी ग्राफिकली थ्रू वन फोल्डर एंड अनदर फोल्डर एंड देन विल सी हाउ वी कैन कॉपी थ्रू द कमांड लाइन टूल विच इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो एंड देर आर लॉट मोर थिंग दैट यू कैन डू विद द कमांड लाइन टूल दैट यू कैन नॉट डू विद द ग्राफिकल. ओके, सो देर इज लॉट टू टॉक. So I will be doing those talk, but throughout this video when we are going to see everything line by line and by the time. Okay, so let's get jump in the video and see how we can do that. अपना file explorer open करो नीचे से. ठीक है, तो यहीं पर हम लोग कुछ करेंगे. ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ये फाइल है, तो मैं सिंपल जाकर राइट क्लिक कर देता हूँ. जैसे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, राइट क्लिक करके सब पता चल जाता है क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो राइट क्लिक किया. अब देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, लाइक कट, कॉपी, मूव टू, कॉपी टू, कंप्रेस, रीनेम एंड ऑल. तो अब कट कैसे करेंगे, सिंटैक्स शॉर्टकट सारे सेम होते हैं, लाइक कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी. ठीक है, तो अगर आपको कॉपी करना है सिंपली कॉपी करो और यहाँ पे जाके डाउनलोड्स में मूव कराना है, तो राइट क्लिक और राइट क्लिक एंड पेस्ट. तो देखा आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो गया. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ये तो आपका लिनक्स का फाइल सिस्टम है. तो गाइस फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे कॉपी अगर करना है ये वाला चीज़. ठीक है, तो चलो कॉपी करते हैं. यहाँ से कॉपी किया और अगर मुझे पिक्चर्स वाले फोल्डर में लेकर पेस्ट करना है, राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही. ठीक है ना, तो देखा दिस इज जस्ट दिस मच ईजी गाइज, नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट लाइक द ग्राफिकल पार्ट, बट देयर विल बी इंटरेस्टिंग पार्ट व्हेन वी आर डूइंग विद कमांड लाइन टूल. कंट्रोल ऑल्ट प्लस टी फॉर ओपनिंग कमांड टूल एंड आई एम गोइंग टू just resize this window so that you can see everything. तो मैं साइड कर लेता हूँ. ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या अपने होम डायरेक्टरी में है, ls किया तो होम डायरेक्टरी में क्या क्या फोल्डर्स होते हैं अपने, लाइक डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, सारे आपके होम फोल्डर में होते हैं. चेक करने के लिए pwd टाइप किया और मेरा जो होम फोल्डर है मैं अपने होम फोल्डर पे हूँ, आर्चर फोल्डर के अंदर हूँ. तो ये मैं हर एक यूजर का अपना एक फोल्डर होता है होम फोल्डर. जैसे मेरा यूजर नेम क्या आर्चर है, तो यहाँ पे आर्चर शो करके आ रहा है. आपका कोई अगर दूसरा यूजर नेम होगा तो आपके होम डायरेक्टरी का नाम कुछ और होगा. ठीक है, तो लेट्स से फॉर कॉपी द फाइल, पहले सब में क्या करते हैं, पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं कॉपी करने से पहले. ठीक है, फिर हम लोग जो एग्जिस्टिंग फोल्डर्स या फाइल है उनको कॉपी एंड पेस्ट करके देखेंगे. तो चलो सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक सबसे पहले देखते हैं कोई फाइल है. तो हाँ यहाँ पे फाइल्स हैं, लाइक माई फाइल्स, S3 टेम्पलेट. चलो इसको कॉपी करते हैं डाउनलोड्स में, लाइक इसको मूव कराते हैं इसमें. मूव कराना तो हम लोग देख चुके हैं पिछली वीडियो में, कॉपी कराते हैं. तो मुझे कॉपी करना है S3 templates.ml को डाउनलोड्स में. तो सिंपल cp फॉर कॉपी S3 एंड मैंने टैब प्रेस कर दिया. तो देखा S3 templates मेरा पूरा रिटर्न आ गया. तो ये तो हो गया सोर्स. मोस्ट ऑफ द कमांड्स जो गाइस लिनक्स में है ना, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बेस्ड है, सोर्स और टारगेट बेस्ड. तो आपको यहाँ पे जो आपका फाइल का पाथ है या फोल्डर का जो भी पाथ है आपको यहाँ पे लिखना है. तो देखो मैं यहाँ पे पाथ कैसे लिखना है आपको समझ में आना चाहिए. अब देखो मुझे रेफरेंस देना है s3template.ml का, तो मैं कैसे दूंगा. मैंने आपको बताया था टिल्डे किसके लिए यूज होता है, डेस्कटॉप के लिए. या तो मैं टिल्डे यूज करूँ और मेरे होम डायरेक्टरी टिल्डे किसके लिए होता है, होम डायरेक्टरी के लिए. तो मैं अपने होम डायरेक्टरी में आया आर्चर के अंदर और आर्चर के अंदर ये मेरी फाइल है S3 टेम्पलेट. तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. ठीक है, बट मुझे ये करने की कोई नीड नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पाथ पे हूँ. तो अगर आप ऑलरेडी उस पाथ पे हो तो आपको इसके पहले कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, लाइक डॉट 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 देन फॉरवर्ड स्लैश एंड ऑल. सिंपल आपको फाइल और फोल्डर का नेम टाइप करना है और देन डेस्टिनेशन, आगे टारगेट का. अगर आपका टारगेट भी सेम फोल्डर में है, ठीक है, सेम प्लेस में है, सेम पाथ में है, तो आपको भी उसका भी पूरा फुल पार्ट टाइप करने की, एब्सोल्यूट पार्ट टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है. लाइक मुझे अगर डाउनलोड से मूव कराना है तो डाउनलोड भी मेरा क्या है, इसी डायरेक्टरी में है जहाँ पे S3 टेम्पलेट है ना डाउनलोड्स. मैं एंटर किया, अब देखो मैं गया डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स और मैं ls किया. तो देखो यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए S3 टेम्पलेट. तो देखा गाइस इजंट दिस इंटरेस्टिंग. तो ऐसी होती है कॉपी. तो ये तो क्या फाइल को कॉपी करना. चलो और भी कुछ करते हैं, लाइक डाउनलोड से डेस्कटॉप लेके जाते हैं. ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई फाइल अगर हो यहाँ पे,
चलो एक सॉफ्टवेयर है प्रोग्राम, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, लाइक IDM 342 build, तो इसको करते हैं CP IDM, मैं भी डाउनलोड वाले फोल्डर में हूँ ना, तो मुझे फुल पाथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन क्या होगा, होम डायरेक्टरी पे कॉपी करना है, लाइक डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो एक फोल्डर मुझे अब जाना है, तो मैं अब जाने के लिए क्या मैंने बताया था, डबल डॉट, अब मैं एक फोल्डर अब चला गया, ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी में चला गया। पेरेंट डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी के अंदर मुझे डेस्कटॉप के अंदर कॉपी करना है ना, डेस्कटॉप पे, तो मैं होम डायरेक्टरी पे गया और देन डी टाइप किया डेस्क और टैप कर दिया, देखा डेस्कटॉप आ गया और देन एंटर। तो देखो यहाँ पे डाउनलोड से मेरे डेस्कटॉप यहाँ पे जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, कॉपी हो गया है। तो देखा, तो ये है इजी फंडा, ये तो हो गया फाइल्स या भी प्रोग्राम कॉपी करना। अब मैं क्या करता हूँ, कोई फोल्डर कॉपी करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉली करके फोल्डर है, तो मैं गया सीपी वॉली, मैंने पाथ दे दिया, आप फॉरवर्ड स्लैश दो या ना दो इट डजंट मैटर, और मैंने डेस्टिनेशन कह दिया, ठीक है, डेस्कटॉप। आप चाहो तो ऐसे ही ले सकते हो, लाइक होम डायरेक्टरी स्लैश डेस्कटॉप, इट विल वर्क जस्ट फाइन, ठीक है। बट मैं ये आपको क्यों नहीं बोल रहा हूँ करने को, जैसे क्या आपका भी पाथ छोटा है तो आप कर रहे हो, बट अगर और भी अंदर होता फोल्डर होता, और भी जैसे और ही फोल्डर्स होते, और ही फोल्डर्स होते, तब तो आप करते ही रह जाओगे। इसीलिए रिलेटिव पाथ का यूज़ करते हैं हम लोग, कि कुछ ही डॉट, अगर आपको एक दो फोल्डर ऊपर ही कॉपी करना हो तो जस्ट स्टॉप, ये टाइप किया और देन डेस्कटॉप पे गए, आपका आ गया, ठीक है। मैंने इंटर कर दिया, तो देखो क्या आ रहा है, ओमिटिंग डायरेक्टरी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, कि ये मैं आपको बताना चाह रहा था, फाइल्स तो आपको बिना किसी ऑप्शन या फिर आर्गुमेंट के कॉपी हो जाएंगे, बट अगर आप कमांड कर रहे हो, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सीपी मैं करूँगा तो क्या आ रहा है, सीपी हेल्प। मैं गया सीपी हेल्प पे, अब देखो मुझे बेसिक यूज केसेस देगा, कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लाइक हाउ यू कैन यूज दिस कमांड टू कॉपी ऑल द थिंग्स। तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग कैसे कमांड को यूज़ करेंगे, तो कमांड एंड देन ऑप्शन, ठीक है, देन सोर्स, देन डेस्टिनेशन। तो अगर आप सिंपल फाइल कॉपी कर रहे हो तो आपको कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिर्फ सीपी टाइप करोगे और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन जो क्या है आप टाइप कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है, और ये ब्रैकेट में देने का क्या मतलब है ना, ये ऑप्शनल होता है, लाइक यू कैन यूज दिस और नॉट, इट्स टोटली अप टू यू। तो हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, लाइक एफ फोर्सफुली, अगर कोई फाइल ऑलरेडी उस डेस्टिनेशन पे है, ठीक है, या फिर कुछ मतलब फोर्सफुली कुछ किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इफ़ एन एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशन फाइल कैन नॉट बी कॉपीड, रिमूव इट एंड ट्राई अगेन, ठीक है, मतलब ये दोबारा ट्राई करेगा उसको कॉपी एंड पेस्ट करने का, ठीक है। फिर दूसरा दिया है इंटरेक्टिव, आपको हर एक फोल्डर या फाइल कॉपी करने से पहले आपसे पूछेगा, डू यू वॉन्ट टू कॉपी दिस फाइल, येस, डू वॉन्ट टू कॉपी दिस अनदर फाइल, येस, ठीक है, तो ऐसे होता है। फिर नीचे यहाँ पे जाओगे, ये ऑप्शन शो कर रहा था ना आर, इसमें क्या लिखा है, कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। रिकर्सिवली क्या होता है, मतलब उसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होंगे सारे ही कॉपी करने हैं मुझे इसमें। अब देखो ये कैसा कब होता है, जब आपकी डायरेक्टरी क्या हो, एम्प्टी ना हो। अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी होगी तो कॉपी हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी डायरेक्टरी में क्रिएट करता हूँ एम्प्टी फोल्डर, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ डेस्कटॉप पे, सीपी एम्प्टी फोल्डर टू डेस्कटॉप। तो मैं आई थिंक आई एम रॉन्ग, मुझे इसके लिए भी आर यूज करना है। तो डायरेक्टरी जब भी आप कॉपी करोगे, कभी भी आप डायरेक्टरी कॉपी करोगे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देना होगा हाइफन आर, ठीक है ना। तो गाइस आपको ये ऑप्शन यूज करना है, मैं फिर से गया सीपी हेल्प, और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मैं ऊपर गया, स्क्रॉल किया, यहाँ से साइड से स्क्रॉल हो जाएगा, वरना आप माउस से ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो टच पैड से ऊपर करो, नीचे करोगे ना तो ऊपर स्क्रॉल होगा। ऐसे ही वर्बोस दिया हुआ है, जो भी चीज़ें कॉपी करेगा हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेगा ये, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, अभी जो ऑप्शन शो हुआ था लाइक वर्बोस, ठीक है ना, मैं करके दिखाता हूँ, और मैं इसका भी यूज करूंगा लाइक इंटरेक्टिव का, ठीक है। सीपी इंटरेक्टिव वर्बोस कॉपी वल्ली, I named it Wally, and then to the desktop, destination, desktop, enter किया, sorry मैं R भूल गया, R, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा option use कर रहे हो तो आप single hyphen देके use कर सकते हो, अगर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ IVIR,
ठीक है, काम बिल्कुल वैसे ही करेगा। ठीक है, मैं एंटर किया और देखा हर एक चीज क्या किया इसने, कॉपी कर दिया। ठीक है, सारे मेरे वॉलपेपर्स डेस्कटॉप पे कॉपी हो गए, जो कि डाउनलोड्स में भी हैं। अब सिंपल कॉपी हुआ है तो होगा ही यहाँ पे, तो ये तो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो ये कॉपी करना। अब ऐसे ही मैं आपको सीपी को और भी कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ, सीपी हेल्प, और भी क्या कर सकते हैं, और भी क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट वी कैन डू मोर। सेम एज प्रिजर्व ऑल डोंट कॉपी द फाइल डेटा जस्ट द एट्रीब्यूट, इसका कोई यूज हम लोग नहीं करते हैं। ऐसी चीजें तो बहुत चीजें हैं, बट मैं जो डेली यूज करता हूँ, जो मैंने यूज किया अब तक, मैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ। जैसे कि रिकर्सिवली कॉपी डायरेक्टरी, रिकर्सिवली सारे उसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर होते हैं, कॉपी हो जाते हैं। मेक सिंबॉलिक लिंक इंस्टेड ऑफ कॉपिंग, मैंने ये भी नहीं कभी किया है यूज, और अब डेली यूज में करता हूँ लिनक्स, तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इफ यू वॉन्ट टू गो इन डेप्थ, यू कैन सिंपली ओपन द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, यू कैन जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप लिनक्स सीपी डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे आपको पूरा मैनुअल पेज ओपन हो जाएगा। आप हर एक कमांड को यूज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कैसे कैसे चीजें काम करती हैं। ठीक है, और भी आप वेबसाइट को देख सकते हो, लाइक मैं गीक्स फॉर गीक्स पे गया, और यहाँ पे देखो जो मैंने बताया ये सब दे रहा है। और ओके ओके ओके, तो मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जैसे कि मैंने सिर्फ एक ही फाइल कॉपी की थी, तो अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को कॉपी करना है एक ही डेस्टिनेशन पे, तो आप कैसे कर सकते हो, ये भी इजी है। ठीक है ना, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और देखते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, माई फाइल्स और S3 टेम्पलेट्स को अब मैं किस में कॉपी करता हूँ, डेस्कटॉप पे। ठीक है ना, तो मैं इसलिए बार मैंने एक ही फाइल को कॉपी किया था, सीपी माई फाइल एंड देन S3 टेम्पलेट, तो जो लास्ट में होगा उसको डेस्टिनेशन ले लेगा। तो मैं किया डेस्कटॉप पे, ठीक है ना, देखा S3 टेम्पलेट और माय फाइल्स मेरे वहां पे कॉपी हो गए। तो ये दोनों क्या है, सोर्स है, और ये क्या आपका डेस्टिनेशन है। सो गाइस देखा कितना इजी प्रोसेस है कॉपी पेस्ट करना। अब आपको एक चीज मास्टरी क्या करनी है ना, पाथ फाइंड करना, किस पाथ में कैसे आप जाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कई सारी चीजों को यूज कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो देयर इज थिंग इन लिनक्स कॉल्ड सूडो। ठीक है, इस चीज के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सूडो का कब हम लोग यूज कर सकते हैं, जब हम लोग किसी ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ पे आप नॉर्मल यूजर है, जो नॉर्मल यूजर आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको इतना तो पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है, जब आप लिनक्स अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप एक यूजर क्रिएट करते हो। ठीक है, तो जो आप यूजर क्रिएट करते हो तो उसके पास सारी परमिशन नहीं होती है। देयर इज अनदर यूजर इज कॉल्ड रूट, जिसके पास सभी परमिशन होती हैं, वो कोई भी फाइल डिलीट कर सकता है, कोई भी फाइल को मूव करा सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है, उसको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट आप क्या हो, एक सिंपल यूजर हो। ठीक है, तो सिंपल यूजर को क्या चाहिए, उसको कुछ रूट की कुछ परमिशन चाहिए होती हैं, कुछ एलिवेशन चाहिए होती हैं, ठीक है, बेनिफिट चाहिए होती हैं। तो डेट्स वॉट प्रोवाइड सूडो। सूडो क्या करता है, बस आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कुछ रूट के कुछ कमांड को आप यूज कर सको। ठीक है, आपको एज ए रूट यूजर लॉग इन करने के सिस्टम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप चाहो तो एज ए रूट भी लॉग इन हो सकते हो। लाइक सूडो ऐसे करोगे स्विच यूजर, तो मैं पासवर्ड डाला और एज ए रूट यूजर मैं देखो यहाँ पे लॉग इन हो गया। तो ये तो हो गया कॉपी पेस्ट करना। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जिट करता हूँ, मैं नॉर्मल एज ए नॉर्मल यूजर मैं होता हूँ। ठीक है हु एम आई, तो मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं किस में हूँ, मैं अपने रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ। ठीक है, मैं अदर लोकेशन पे गया और ये मेरी रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स एंड फाइल यहाँ पे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहूंगा तो कोई फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए मुझे सूडो परमिशन चाहिए होगी।
तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप sudo परमिशन या फिर sudo कमांड कैसे यूज करते हो कॉपी पेस्ट करने के लिए या फिर कोई भी फोल्डर डिलीट करने के लिए उन जगह पे उन पाथ पे जहाँ पे एज ए नॉर्मल यूजर आप नहीं कर सकते हो। तो sudo इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, नेवर मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर मैं कुछ कॉपी कमांड में कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मेंशन कर देना कि आपने वो तो बताया नहीं। जैसे कि कोई भी आप म्यूजिक कोई भी वीडियो आप सिंपल इसी प्रोसीजर से कॉपी कर सकते हो। जैसे मैंने सोर्स में आपको क्या डाला, फाइल डाला था ना, आपको सिंपली उस फाइल या फिर यू नो गाइज एवरीथिंग इज अ फाइल इन सिस्टम, ठीक है। तो आपको बस एक सोर्स का पाथ देना है, मे बी वो एक फाइल हो सकता है, एक फोल्डर हो सकता है, म्यूजिक वीडियो एनीथिंग और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको डेस्टिनेशन का दे देना है, वो चीज़ सिंपली कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। और अपने यार दोस्तों से शेयर भी करना। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।